नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम जानेंगे सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक का भारत के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध एवं ताकतवर राजाओं में गिनती होती है। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट अशोक बिंदुसार तथा माता धर्मा के पुत्र थे। सम्राट अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। लंका की परंपरा के अनुसार बिंदुसार की 16 पटरानियां और 101 पुत्रों का अभिलेख है। ग्रंथों की माने तो बिंदुसार के 3 पुत्रों का जिक्र मिलता है, जिसमें सुसीम का सबसे बड़ा पुत्र बताया गया है। वहीं अशोक और कृष्ण को सहोदर भाई बताया गया है। कहा तो यह भी जाता है कि एक दिन धर्मा को स्वप्न आया कि उनका बेटा एक बहुत बड़ा सम्राट बन गया। उसके बाद उसे राजा बिंदुसार ने अपनी रानी बना लिया। अब चूंकि धर्मा क्षत्रिय कुल से नहीं थी, इसीलिए उसे कोई विशेष स्थान राज परिवार में नहीं मिला। अशोक के सौतेले भाई बहन थे, जिनसे बचपन में प्रतिस्पर्धा रहती थी। राजा अशोक के बारे में कहा जाता है कि वे बचपन से ही सैन्य गतिविधियों में प्रवीण हो गए थे। सम्राट अशोक बचपन से ही शिकार के शौकीन थे। अशोक जब कुछ बड़े हुए तो अपने पिता के साथ साम्राज्य के कार्यों में हाथ बटाने लगे तथा वे जब भी कोई कार्य करते तो प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। इसी कारण से जनता उन्हें पसंद करती थी। उस समय अशोक का बड़ा भाई सुसीम तक्षशिला का प्रांतपाल तथा सुसीम के अकुशल प्रशासन के कारण इस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा, जिसे दबाने के लिए राजा बिंदुसार ने अशोक को भेजा। विद्रोहियों ने अशोक के आने की खबर सुनते ही सभी विद्रोह बंद कर दिया। लेकिन बाद में जब सम्राट अशोक की सत्ता आई तो इन लोगों ने एक बार फिर से विद्रोह किया। इस बार राजा ने उसे बलपूर्वक समाप्त कर दिया। इसी तरह से अशोक की ख्याति बढ़ने लगी। सुसीम को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उसे सत्ता से हाथ न धोना पड़े। इसके लिए उसने अशोक को निर्वासन में डाल दिया। इसके बाद अशोक कलिंग चला गया। इसी बीच उज्जैन में विद्रोह हो गया और अशोक को सम्राट बिंदुसार ने निर्वासन से बुलाकर विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया। लेकिन उनके सेनापतियों ने विद्रोह को दबा दिया। कहा जाता है कि अशोक को अपने भाई सुसीम द्वारा मरवाए जाने का डर था, इसीलिए वह बौद्ध सन्यासियों के साथ रहने लगा। इसी दौरान अशोक को बौद्ध विधि विधानों तथा शिक्षाओं का पता चला था। कुछ वर्षों के बाद सुसीम से तंग आ चुके लोगों ने अशोक को राज सिंहासन पर काबिज होने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि बिंदुसार उस समय तक वृद्ध हो गए थे। एक दिन बौद्ध आश्रम में अशोक को खबर मिली कि उनकी माँ को उनके सौतेले भाई ने मार डाला। तब उन्होंने महल में जाकर अपने सारे सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और वे सम्राट बन गए। सम्राट अशोक के साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि अशोक के साम्राज्य पूरा भारत तथा ईरान की सीमा तथा पश्चिम उत्तर हिंदू कुश तक था। फिर उनका शासन धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। उनके साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि उस समय का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था, परंतु कलिंग की लड़ाई में भारी नरसंहार को देखते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने इसके बाद शांति के मार्ग को अपनाया, मतलब धर्म विजय की नीति को अपनाया। इस समय सम्राट एक शासक और संत दोनों के रूप में सामने आए। उन्होंने अपने साम्राज्य के सभी लोगों को लोक मंगल के कार्य में शामिल होने की सलाह दी। इसके बाद उनके सारे कार्य लोक हित को लेकर थे। सिंगली अनुश्रुतियों में दीप वंश एवं महावंश के अनुसार सम्राट अशोक अपने शासन के 14वें वर्ष में निगोथ नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसके बाद मोगली पुत्र निस के प्रभाव से पूर्णतः बौद्ध हो गए थे। दिव्यादान के अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी तथा लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त घोषित कर दिया था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र तथा यूनान भेजा था। इसी कार्य के लिए अपने पुत्र एवं पुत्री को भी यात्राओं पर भेजा था। अशोक के धर्म प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उनके पुत्र महेंद्र को मिली। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस को बौद्ध धर्म से दीक्षित किया और तिस ने बौद्ध धर्म में को अपना कर राजधर्म बना लिया। अशोक से प्रेरित होकर उसने स्वयं को देवनाम प्रिय की उपाधि दी। सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व चलने वाले शासनकाल में खुदवाए थे। ये आधुनिक बांग्लादेश, भारत,
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर मिलते हैं और बौद्ध धर्म के अस्तित्व में सबसे प्राचीन प्रमाणों में से एक हैं। सम्राट अशोक के लगभग 36 वर्षों तक शासनकाल किया। इसके बाद लगभग 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक के कई संतान तथा पत्नियां थीं, पर इसके बारे में अधिक जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन उनके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिया था। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला। बिहार से जुड़ी और भी ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।